रूस यूक्रेन के बीच युद्ध 80 दिनों से जारी है। इस बीच रूस ने ऐलान किया कि अगर नाटो परमाणु बलों और बुनियादी ढांचों को रूसी सीमा के करीब तैनात करता है तो मास्को पर्याप्त एहतियाती कदम उठाएगा। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर गुस्को ने कहा कि अगर नाटो रूस की सीमा के नजदीकी परमाणु हथियार लाता है और बुनियादी ढांचे को विकसित करता है तो वो जवाब देना जरूरी होगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मास्को का फिनलैंड और स्वीडन के प्रति कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं है। ऐसे में कोई भी वास्तविक कारण नहीं है जिससे ये दोनों देश नाटो गठबंधन में शामिल हो। उन्होंने क्रेमलिन के पहले बयान को भी दोहराया कि नाटो संभावित विस्तार के लिए मास्को की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि गठबंधन रूस की ओर से सैन्य संपत्ति को कितना करीब ले जाता है और यह किस बुनियादी ढांचे को तैनात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।